असान सर एक मिनट रुकिएगा, मुझे आज मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा और मेरी हालत बहुत गैर है और मुझे ये बात लाजमी करनी है। प्लीज़ कीजिए। बात यह है कि हम कैसे मुसलमान हैं। मैं मुफ्ती फजल सुबहान साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अपनी मस्जिद में मसरूफ़ था, वहाँ से बाहर निकला हूँ तो मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज़ करूँ। एक मिनट जी जी बोलिए। मैंने वीडियो देखी है, मुझे वीडियो आई और मैंने मोबाइल देखा, मैं तब से कहाँ पर हूँ। रोज़ा रसूल है, आका सलाम का दियार है, कुरान ने कहा फजल सुबहान साहब फैसल कुरैशी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं तड़प कर रह गया, हम क्या कर रहे हैं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजारू लहू बिल कौल कजार बादिकुम लिबाद अन तहबता आमालुकुम वअंतुम ला तशुरून। हम उस रोज़े रसूल पर आवाजें दे रहे हैं, हम चोर और डाकू की आवाजें दे रहे हैं। क्या आप अपनी सियासत को इस मुल्क में नहीं कर सकते। मकीने गुम्बद खजरा के सामने जहां हमारे बुजुर्गों ने अपनी पलकों से झाड़ू दिया, उस आका की बारगाह की बेहुरमती की गई है। आप जरा वो वीडियो देखें, आपका कलेजा बाहर आएगा। लोग कहते हम जज्बाती हैं, हम मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर जज्बाती है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजाए अतर पर जो गुलगुपाड़ा हुआ है, क्या वो सियासी मैदान है। कुरान कहता है वला वन्नौ में ज़लमु अनफुसहुम जाऊ कफस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मैं और आप तो इस अकीदे के हैं कि जो रोजाए रसूल पे जाके सदा देता है मुस्तफा सुनते भी हैं जवाब भी देते हैं। हमने क्या किया। ए मेरी कौम इज्तिमाई तौबा करो, ए जालिमो तौबा करो, अल्लाह सब माफ कर देता है। वो कहता है मैं तुम्हारे अमाल गारत कर दूंगा तुम मेरे नबी के पास आवाज बुलंद करोगे। ये सहाबा को कहा गया। मुझे आप बताइए हम कहां जाएं, खुदकुशी कर ले, हम किस तरफ बढ़े। मुझे बताओ जिस ये पाकिस्तानी कर रहे हैं अपनी सियासत को यहां करो। हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन रब्बे काबा का तुम्हें वास्ता, तुम सियासत यहां करो। मुल्क में आग लग चुकी है, वहां वो हुआ, अब इस्लामाबाद में जनाब दूसरों पर हमला हो गया है। रोज़ाए रसूल की बेहरमती होगी तो फिर किसी की इज्जत नहीं होगी। ये 27वीं शब ये रमजान इसलिए तो नहीं है फैसल कुरैशी साहब कि हम नबी अलैहिस्सलाम के रोजे की बेहरमती करें, वहां आवाजें लगाए। और वहां अभी मुझे किसी ने बताया, मैंने सिर्फ पढ़ा है, मेरे पास तहकीक नहीं, शाहज़ैन बुकटी ने कहा कि हम इस रोजे पर जो कुछ हुआ मैं अल्लाह की बारगाह में माफी मांगता हूँ, मेरे बाल नोचे गए, गालियां दी गई। अगर गालियां दी गई हैं तो मुझे बताओ हम कौन से मुसलमान हैं। उस पाकीज़ा हरम में जहां 70,000 फरिश्ते सुबह 70,000 शाम को वो फरिश्ते महबूबे रब्बुल आलमीन की बारगाह में हदिया दुरूद पढ़ते हैं। आज हम महफिल नात बॉल में सजा के बैठे, हम बॉल के प्लेटफॉर्म से इन हजरात से कहते हैं तौबा करो वरना अज़ाब इलाही से बचो। ये क्या कर रहे हैं, किस सिमत जा रहे हैं। मुझे हजरत आप बताइए, फैसल कुरैशी साहब आप फरमाइए इस मुल्क में क्या हो रहा है। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से कि रोज़ाए रसूल की बेहरमती करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर हम कुछ ना कर सके तो परवरदिगार उन्हें नेस्तो नाबूद कर देगा। आज 27वीं शब इस शब ये मुल्क बना है, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में, सब माफी मांगे, वो रब माफ करने वाला मेहरबान है। अगर हमने ऐसा न किया तो हमारा निशान मिट जाएगा, अल्लाह फिर माफ नहीं फरमाएगा। मैं बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।